डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्नल्स टू वार्न इनकमिंग ट्रेन ऑफ डेंजर हेड। इसको हिंदी में कैसा बोलेंगे कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है, कोई ट्रेन आ रही है, तो उसे खतरे का संकेत या सिग्नल कैसे दिखाना है। सो प्रैक्टिकली हम सब लोग जानते हैं कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, बट हाउ टू राइट इन एग्जाम, एग्जाम में कैसा लिखना है, वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है लोगों को। सो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में भी लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। सो रूल नंबर GR 3.656667 और उसका पूरा कॉम्प्रहेंसिव मिला के एक ब्रीफ नोट है ये। हाउ टू शो सिग्नल्स व्हेन ए ट्रेन इज अप्रोचिंग एंड हाउ टू इन्फॉर्म दैट देयर इज ए डेंजर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। मैं सपोज करो लोको पायलट हूँ, इंजन में बैठा हूँ, या गार्ड हूँ, या मैं स्टेशन मास्टर हूँ, पॉइंट्स मैन हूँ, रेलवे ट्रैक के पास में हूँ, कहीं पर भी हूँ, और सामने से ट्रेन आ रही है, उसे खतरे का संकेत बताना है। तो एवरीबॉडी नोज सिंपली डे टाइम वी विल शो रेड फ्लैग, दिन में रेड फ्लैग, एंड नाइट टाइम रेड फ्लैशिंग हैंड सिग्नल लैंप, रात में रेड फ्लैशिंग लाइट वाला हैंड सिग्नल लैंप दिखाएंगे। सो ये तो वेरी सिंपल है। एग्जाम में ये पॉइंट लिखने के बाद देन वी शुड राइट दैट हु विल सप्लाई, इसको सप्लाई कौन करेगा रेलवे एम्प्लाई को। सो सप्लाई इज द नेक्स्ट पॉइंट, इस सप्लाई का लिखना कि सप्लाई इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, कि हमें ड्यूटी पर्पज के लिए रेड फ्लैग और रेड फ्लैशिंग हैंड सिग्नल लैम्प दोनों रेलवे प्रशासन हमको उपलब्ध कराएगा। इट विल बी मेड अवेलेबल बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। देन नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज ऑफ यूज ऑफ दिस एसेंशियल इक्विपमेंट, इसको कैसा यूज करना है, इसका नॉलेज किसका जिम्मेदारी है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉई, ये पॉइंट लिखना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, कीप रेडी फॉर यूज व्हाइल ऑन ड्यूटी, जब हम ड्यूटी पर है तो ये जो हमको रेड फ्लैग मिला है और रेड फ्लैशिंग हैंड सिग्नल लैंप मिला है, ये हमें इस्तेमाल के लिए रेडी रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने कहीं लॉक में रख दिया रेड फ्लैग और रेड फ्लैशिंग हैंड सिग्नल लैंप, या ऐसी जगह रख दिया जो इजीली हमारे हाथ से रीच से, हमारे हाथ के पहुंच से बाहर है, आउट ऑफ रीच, एंड सडनली वी हैव टू यूज रेड फ्लैग और रेड फ्लैशिंग हैंड सिग्नल लैंप। सो क्या है, इट विल बी डिलेड एंड देयर विल नॉट बी एनी यूज। दैट्स व्हाई ये रूल बनाया है कि द एम्प्लॉई फर्स्ट सप्लाई हो गया रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट, नॉलेज ऑफ यूज एम्प्लॉई का ड्यूटी, देन कीप रेडी फॉर यूज ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉई का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट ही शुड कीप इट रेडी फॉर यूज ऑन ड्यूटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है कि सपोज ए लोको पायलट हैज ऑब्जर्व दिस डेंजर एंड सिग्नल, मीन्स सिग्नल वार्निंग ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लॉक सेक्शन। ब्लॉक सेक्शन में सपोज हमको किसी व्यक्ति ने रेड फ्लैग दिखाया है दिन के टाइम या रेड फ्लैशिंग लाइट दिखाया रात के समय, तो हमारा ड्यूटी क्या है, तो इसका आंसर है स्टॉप इमीडिएटली आफ्टर सीइंग दिस ऑब्स्ट्रक्शन डेंजर हैंड सिग्नल, लोको पायलट विल स्टॉप हिज ट्रेन इमीडिएटली, तुरंत गाड़ी रोक देना है। आफ्टर स्टॉपिंग इफ द पर्सन इज अवेलेबल, यदि वो व्यक्ति अवेलेबल है तो हम उससे बात करके मालूम कर लेंगे क्या प्रॉब्लम है। बट एक सिचुएशन, लेट अस इमेजिन ए सिचुएशन, एक सिचुएशन इमेजिन करिए
कि सपोज जो व्यक्ति डेंजर हैंड सिग्नल दिखा रहा था, स्टॉप हैंड सिग्नल दिखा रहा था, आफ्टर स्टॉपिंग द ट्रेन दैट पर्सन इज नॉट अवेलेबल, वो व्यक्ति वहां पे अब उपलब्ध नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, देन व्हाट वी शुड डू, तो हमारा ड्यूटी क्या है, व्हाट इज द रूल, आफ्टर स्टॉपिंग इफ द पर्सन इज नॉट अवेलेबल देन वेट 1 मिनट बाई डे और 2 मिनट बाई नाइट, दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट रुकना है, आफ्टर वेटिंग दिस देन लोको पायलट कैन क्लियर द ब्लॉक सेक्शन विथ कॉशियस स्पीड या कॉशियसली, कॉशियसली सतर्कतापूर्वक मतलब अलर्ट में, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, लोको पायलट एकदम अलर्ट में जाना है, ही शुड बी रेडी टू स्टॉप शॉर्ट ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी अवरोध दिखाई देने पर रुकने के लिए तैयार रहना चाहिए, यहाँ पे कोई डिस्टेंस वगैरह भी नहीं दिया है, जैसा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डेटोनेटर बर्स्ट करने पे रूल रहता है कि यदि कोई व्यक्ति है तो उसे गाइडेंस लेते हैं, वो व्यक्ति नहीं है तो डेटोनेटर बर्स्ट करने के बाद हम ब्लॉक सेक्शन में अप टू 1.5 किलोमीटर सावधानी पूर्वक जाएंगे, रिड्यूस्ड स्पीड से जाएंगे, आफ्टर 1.5 किलोमीटर इफ देर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो हम नॉर्मल स्पीड पिकअप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन डेंजर हैंड सिग्नल देखने के बाद यदि कोई व्यक्ति नहीं है तो 1 मिनट 2 मिनट वेट करने के बाद लोको पायलट कैन क्लियर द ब्लॉक सेक्शन कॉशियसली सावधानी पूर्वक जाना है, ही शुड बी रेडी टू स्टॉप शॉर्ट ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, डेटोनेटर का पॉइंट अलग है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, और ये स्टॉप हैंड सिग्नल का पॉइंट अलग है, तो लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा, सो इनकेस ऑफ एनी डाउट प्लीज आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड subscribe the channel if already not subscribed and share with your friends groups. Thank you so much for watching.